गुड मॉर्निंग छात्रों, एक फ़ोन आ जाने की वजह से थोड़ा सा कट गया था। मैं फिर वहीं से शुरू करता हूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला रंग ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट और ग्रे, वाइट। तो पहले दो रंग जो होते हैं वो आपको रेजिस्टेंस का मान बताते हैं, और तीसरा रंग जो होता है वो 10 घाते, जैसे कि येलो है तो 10 घाते 4 तो ओम हो जाएगा। मतलब अगर दो रंग पहले है, रेड हैं 2, दूसरा 3 तो 23 ओम हो गया, और तीसरा रंग येलो है तो 10^10^4। तो ये इस तरह से कलर कोड के द्वारा हम रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करते हैं, जो आपका इस तरह के रेजिस्टेंस होते हैं। जैसे कि पहला भूरा है, दूसरा काला है, तो और तीसरा आपका रंग जो है सिल्वर है। तो ये टॉलरेंस भी बताता है कभी कभी। टॉलरेंस का मतलब होता है कि उसमें प्लस माइनस मतलब 5%, दो ही रंग होते हैं। सिल्वर का टॉलरेंस 5% होता है, और गोल्डन कलर अगर बना रहता है तो उसका भी 5%। टॉलरेंस का मतलब यही है कि आपका रंग जो है 10% कम ज़्यादा प्रतिरोध का मान हो सकता है। यहाँ पर आगे हम देखते हैं रेजिस्टेंस का संयोजन। मैंने आपको पढ़ाया ही है सीरीज में और पैरेलल में। तो सीरीज में R=R1+R2+R3, और पैरेलल में 1/R=1/R1+R2+R3। ये देखिए, सीरीज में अगर तीनों रेजिस्टेंस इस तरह से लगे हुए हैं 10, 20, 50, तो इनका मान हो जाएगा 10, 20, 30 और 50, 80 ओम। तो ये सीरीज ओम रहेगा। इसका फार्मूला भी यही चीज़ आपको मैंने R1+R2 बताया भी है सेकंड पेपर में। आइए देखते हैं पैरेलल में क्या है। तो पैरेलल में भी वही चीज़ है। देखिए, इसमें धारा का मान सब में अलग अलग हो जाता है, इसका मतलब ये पैरेलल में है। तो हमारे घर में जो बल्ब जो लगाए गए हैं वो पैरेलल में है, ताकि एक बल्ब भी अगर फ्यूज हो जाए तो 2 बल्ब जलते रहते हैं। तो ये पैरेलल में अगर हैं तो 1/R=1/R1+1/R2+1/R3। ये भी आपको मैंने पढ़ाया है। तो सेकंड पेपर का क्वेश्चन थर्ड पेपर में भी पूछता है, तो इसी आप कंफ्यूज मत होइएगा। और आगे बढ़ते हैं हम इस चैप्टर में। तो इसमें एक और अच्छी चीज़ आता है चैप्टर की, इंडक्टर क्या है, क्वायल क्या है। तो इंडक्टर मतलब, और स्टेट नामक वैज्ञानिक, इसे भी आपको हमने इंडक्टर में पढ़ाया है कि अगर प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में जो है विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है, अगर हम कुंडली पर तार लपेटते हैं तो इसमें ऑटोमेटिक जो है विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है, इसी को हम इंडक्शन कहते हैं। और इसके अंदर विद्युत वाहक बल पैदा होता है तो प्रेरित धारा भी पैदा होती है, और ये प्रेरित धारा विद्युत वाहक बल का विरोध करती है। तो इसी को हम लेंज का नियम भी आपको पढ़ाए हैं, लेंज का नियम कहते हैं। और इसका मात्रक इंडक्टेंस का, इंडक्टन से इंडक्टेंस बना है, तो इसका प्रतीक चिन्ह यल होता है और मात्रक हेनरी होता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि इस बार कोरोना का प्रभाव है, इसलिए आपको आसान क्वेश्चन ही आएंगे, ज़्यादा बड़े न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे। घबराएं ना आप इस पर। इम्पीडेंस क्या होता है? तो उस प्रत्यावर्ती धारा में संपूर्ण प्रतिबाधा जो भी आपकी होती है, संपूर्ण प्रतिबाधा रेजिस्टेंस, मतलब इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस को मिला के इम्पीडेंस बनता है। इसका मात्रक भी ओम में ही रहता है, और इसे हम इम्पीडेंस कहते हैं। तो संपूर्ण बाधा को हम इम्पीडेंस कहते हैं। पावर फैक्टर क्या है? हमारा इस समय जो बिजली जल रही है 0.8 पावर फैक्टर है, और ये इसका मान अगर आप निकालें देखें तो tan θ = XL/R। ये यही इसका tan θ का मान XL/R। अगर आप लिख के कहते हैं कि ये पावर फैक्टर है, और हमारे घर में जो बिजली आ रही है उसका पावर फैक्टर जो है 0.8 होता है, इतना भी लिखते हैं तो आपको नंबर मिलता है। पावर आप जानते हैं P=VI का अगर आप गुणा कर दें वोल्टेज और I का, तो पावर हो जाता है। मैंने आपको यूनिट संख्या भी इसमें पढ़ाई है।
और उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? वही एल हेनरी में होता है। तो इसका फार्मूला देखिए, अक्सर पूछ देता है फार्मूला को लिखिए आप सेल्फ इंडक्टेंस को, तो इस फार्मूले को एक तरह से आप याद कर लीजिए। और यह एल जो है एन स्क्वायर के समानुपाती होता है, एरिया के समानुपाती होता है, और एल इसका एक बट्टा एल के समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब एल बढ़ेगा तो हेनरी, एल घटेगा और बाकी दोनों दशा में यह बढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम आएँ अन्योन प्रेरण, आपको हमने पढ़ाया है ट्रांसफार्मर में कि जब प्राथमिक कुंडली में हम धारा देते हैं तो ऑटोमेटिक प्रेरण के कारण दूसरी कुंडली में भी धारा उत्पन्न हो जाती है ट्रांसफार्मर में, तो इसी का सिद्धांत भी है ट्रांसफार्मर का, तो इसे हम अन्योन प्रेरण कहते हैं। ये देखिए इस तरह से ट्रांसफार्मर प्राइमरी में आप 220 वोल्ट देते हैं तो दूसरे में भी धारा हो जाती है। बैटरी इल्यूमिनेटर मैं आगे पढ़ाऊँगा ट्रांसफार्मर के आगे, इसी में हम डायोड लगा देते हैं तो वह एसी का डीसी हो जाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं बैटरी इल्यूमिनेटर में, तो आप चार्जर में लगा हुआ है, आप उसको खोल के चाहें तो देख भी सकते हैं। और समय नियतांक अक्सर पूछता है समय नियतांक क्या है, तो जो है करंट को शून्य मान से 63% मान तक पहुंचने में लगा समय नियतांक कहलाता है, टी इक्वल टू एल बटा आर। तो ये एक लाइन का क्वेश्चन, दो लाइन का आपसे जरूर पूछ सकता है, दो नंबर का। तो टी बराबर एल बटा आर, इसी को हम समय नियतांक कहते हैं। अब आते हैं कि सीरीज में इंडक्टर भी सीरीज में जुड़ता है, तो सीरीज में इंडक्टर जुड़ता है तो वही इंडक्टर का मान अगर आपको हेनरी में दिया है तो सीरीज में इंडक्टर एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री एकदम रेजिस्टेंस की तरह रहता है, और पैरेलल में अगर आप देखें तो वन अपॉन एल बराबर वन अपॉन एल वन प्लस एल टू एल थ्री, ये रेजिस्टेंस की तरह से रहता है। याद करने के लिए आप इसे याद भी कर सकते हैं इस तरह से, देखिए इसकी भी सर्किट है आपकी और रेजिस्टेंस की तरह से। अब इसके अंदर ट्रांसफार्मर जो है आपका दो तरह का होता ही है, एक स्टेप डाउन ऊंचाई का मतलब कि सेकेंडरी में फेरों की संख्या ज़्यादा, अपचाई में सेकेंडरी में फेरों की संख्या कम, तो वही उसको प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली भी कहते हैं। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल अननोन प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। इसकी संरचना भी आप अलग अलग ट्रांसफार्मर जगह जगह यूज होते हैं, तो इनकी संरचना अगर आप देखें तो ये संरचना है ट्रांसफार्मर की, प्राइमरी और ऊंचाई इसका मतलब सेकेंडरी में ज़्यादा है, अपचाई सेकेंडरी में कम है, प्राइमरी में ज़्यादा है। तो याद करने के लिए ये होता है आपको, और इसका फार्मूला भी वही होगा वी एस अपॉन वी पी, एन एस अपॉन एन पी और आई पी अपॉन आई एस, ये धारा फेरों की संख्या और वोल्टेज। तो अगर दो तीन चीज़ें दी हैं तो चौथी चीज़ आराम से आप निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एक आसान तीसरा पेपर चैप्टर है आपका। ट्रांसफार्मर का लाभ आप जानते ही हैं कि विद्युत ऊर्जा को दूर तक ले जाया जा सकता है, और इसमें कोई विशेष ऊर्जा व्यय नहीं होती है, और इसका स्थानांतरण शांतिपूर्वक हो जाता है। ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण अगर करें तो कोर के आधार पर कर सकते हैं, आउटपुट के आधार पर कर सकते हैं, कार के आधार पर कर सकते हैं, जैसे मेन या पावर ट्रांसफार्मर होता है, टीवी वगैरह में ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगा रहता है, ईएसटी एक अच्छा ट्रांसफार्मर है, एक्स्ट्रा हाई टेंशन ट्रांसफार्मर करीब 11,000 किलो वोल्ट जो है टीवी में पैदा करता है ये, और फेज के आधार पे भी आप पंप सेट पे देखे होंगे तीन फेज का लगा होता है, कहीं दो फेज का लगा होता है। तो इस तरह के ट्रांसफार्मर का जो आप वर्गीकरण करेंगे तो बैटरी इल्यूमिनेटर भी आपका इसके अंदर भी ट्रांसफार्मर है। बेरी ट्रांसफार्मर के बारे में अक्सर पूछ लेता है, तो आइए देख लेते हैं कि बेरी ट्रांसफार्मर क्या है। बेरी ट्रांसफार्मर सेल टाइप का सुधरा हुआ रूप है, इसका कोर बेलनाकार होता है, इस पर दोनों वाइंडिंग लपेटी जाती हैं, और कोर के मुख्य भाग से 8-10 सेल वाइंडिंग इस प्रकार चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज न्यूनतम कर दिया जाता है, और इसकी क्षमता जो है अधिकतम हो जाती है, और ये विशेष प्रकार के सर्किट के में यूज़ किया जाता है।
बेरी टाइप का ट्रांसफार्मर। ये देखिए इसका चित्र भी आपको दिखाओ है, अगर आप चित्र बनाना चाहें तो इसको चित्र बना के बढ़िया नंबर ले सकते हैं। और कार के आधार पर भी ट्रांसफार्मर होता है, मेन अथवा पावर ट्रांसफार्मर। देखिए यहाँ पर ये एक प्राइमरी आपका कॉयल है और सेकेंडरी में आपका जैसी ज़रूरत होती है 300 वोल्ट की तो 300 वोल्ट का रहता है, फिर 5 वोल्ट का रहता है, फिर 6.3 वोल्ट का रहता है। तो ट्रांसफार्मर ये प्राइमरी हो गया और बीच में दो लाइनें ये खींची जाती हैं कोर की वजह, कोर दिखाता है, और इसके बगल में आप इस तरह से आप ट्रांसफार्मर में, तो मेन अथवा पावर ट्रांसफार्मर इसको कहते हैं। और ऑटो ट्रांसफार्मर में आप ध्यान दीजिए तो एक ही कुंडली होती है और कोर रहता है, और इसी में प्राइमरी बन जाता है और सेकेंडरी भी बन जाता है। तो इस तरह का ऑटो ट्रांसफार्मर में जब चित्र बनाना हो तो ESC ट्रांसफार्मर इसको कहते हैं। तो ये इस तरह से आप इसका चित्र बनाइए। बैटरी रेगुलेटर में आपका जो ट्रांसफार्मर रहता है ये इस तरह से रहता है, स्टेप डाउन होता है, तो ये 6 वोल्ट का और 6 वोल्ट, कहीं 12 वोल्ट ज़रूरत होती है तो 12 वोल्ट, तो 230 ही सप्लाई देंगे और ये 6 वोल्ट और 12 वोल्ट तक होता है। ड्राइवर ट्रांसफार्मर में भी इसमें सेकेंडरी में कॉइल की संख्या ज़्यादा रहती है, प्राइमरी में कम होती है, और ये एम्पलीफायर के लिए यूज होते हैं जहाँ पर इम्पीडेंस की मैचिंग किया जाती है, तो वहाँ पर ड्राइवर ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। और रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर RF ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, ये भी रेडियो TV में यूज होता है 4th-5th पेपर में, और रेडियो के रिसीवर में ऑक्सीलेटर और एंटीना कॉयल से ये जुड़ा गया रहता है, और RF ट्रांसफार्मर का बहुत ही उपयोग है, इसको भी आप देख सकते हैं। आउटपुट ट्रांसफार्मर भी होता है जो लाउड स्पीकर में की मैचिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्टेप डाउन प्रकार का ये ट्रांसफार्मर होता है, वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है। इसके बाद आते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता, अक्सर पूछता है आपसे कि इसकी दक्षता एफिशिएंसी क्या है, तो प्रतिशत में निकलती है तो N बराबर P0/PI × 100। सीधे फार्मूला लिखेंगे आप तो पावर आउटपुट पावर इनपुट I का मतलब, और N जो है ट्रांसफार्मर की दक्षता को बताता है। और इम्पीडेंस रेशियो क्या चीज़ होता है, तो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के रेशियो को हम जो है इम्पीडेंस रेशियो कहते हैं, जैसे NS/NP ES/EP IP/IS, इसी को हम जो है करड़ी में अगर ZS/, क्योंकि Z जो है संपूर्ण बाधा होती है, तो ZS/ZP करड़ी में कर दें तो ये इसे हम इम्पीडेंस रेशियो कहते हैं। लोड और नो लोड ट्रांसफार्मर क्या किसे कहते हैं, नो लोड ट्रांसफार्मर यदि किसी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को लोड से ना जोड़ा जाए तो उसे हम नो लोड कहते हैं, क्योंकि उस पर कोई लोड नहीं है, और अगर वहीं लोड जोड़ दिया जाता है सेकेंडरी से और उसके अंदर करंट बहने लगती है तो उसे हम लोड ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर में क्षतियाँ भी होती हैं, जिसमें कि अगर आपसे नाम पूछता है तो ED करंट का लॉस होता है, कोर में होता है क्योंकि उसी में चक्कर काटती रहती है धारा, तो कोर में जो है आपका लोहा ही रहता है तो वो उससे जो है उसका लॉस होता है, ED करंट लॉस होता है। अक्सर आप देखते होंगे ट्रांसफार्मर जल जाता है तो ये ED करंट लॉस की वजह से। और दूसरा हिस्टेरेसिस लॉस भी इसको हम कहते हैं, इसमें भी वही कोर के अंदर पाया जाता है, तो इसको इसका मान कम करने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग हम करते हैं। और कॉपर लॉस तो आप जान ही रहे हैं, कॉपर लॉस तांबे के तार का, चूँकि सेकेंडरी वाइंडिंग बनी रहती है तो कॉपर लॉस होता ही है उसके अंदर, कॉपर ऐसा तो है नहीं कि आप चांदी अगर लगाएं तो चांदी में ही लॉस नहीं हो सकता, लेकिन कॉपर आप पंखे में भी लगाते हैं तो उसमें लॉस होता है, पंखा जल जाता है। और स्किन इफेक्ट अक्सर पूछता है कि स्किन इफेक्ट क्या चीज़ है, तो स्किन इफेक्ट एक दोष होता है ट्रांसफार्मर के अंदर, और ये चालक का भीतरी भाग आप अना